प्रदेश के खाद्य एवं ग्राम उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी शुक्रवार को ठाकुर बाकी बिहारी की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम सेवायत गौस्वामियों के सानिध्य में ठाकुर जी का पूजन अर्चन कर तदुपरांत उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वह कार्तिक मास में धार्मिक यात्रा के दौरान ठाकुर बाकी बिहारी के दर्शन के लिए आए हैं, जिसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिले जन कल्याण विभाग का सही तरह से निर्वाहन कर सके, जिसे कि मजदूर व युवाओं को रोजगार मिल सके और उत्तर प्रदेश बन सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में खादी पार्क बनाए जाएंगे, जिससे कि उद्योग बढ़ने के साथ युवाओं को भी रोजगार मिले। वहीं उन्होंने 2019 में होने वाले चुनावों की तैयारियों के सवाल पर कहा कि देश की जनता को सरकार ने जितनी योजनाएं दी हैं, उतनी योजना किसी भी सरकार ने नहीं दी, जिसका परिणाम अन्य पार्टियों को 2019 में होने वाले चुनावों में खुद ब खुद देखने को मिलेगा। इससे पूर्व श्री पचौरी का स्थानीय भाजपाइयों ने स्मृति चिन्ह व पटका उड़ाकर जोशीला स्वागत किया। महत्व है और वो भी वृंदावन का भगवान कृष्ण का, इसलिए मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने आया हूँ, उनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ कि मुझे जो मुख्यमंत्री ने जन कल्याण का विभाग दिया है, जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए और गरीब का कल्याण करने के लिए, उसमें मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों को रोजगार दे सके, उत्तर प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश बना सके। और प्रसन्नता की बात है कि आज ही जो हमने नई योजना एक जिला एक उत्पाद शुरू की है, उसकी एक ODOP के नाम से वृंदावन में शुभारम्भ भी आज मैं कर रहा हूँ और ऐसी कई दुकानें खुलेंगी। इनको मैं इडली भी ले गया था और जो उत्तर प्रदेश के जो भी उत्पाद है, जैसे आपके यहाँ सैनिटरी का बहुत अच्छा काम है, हम उसको 20% दिलाएंगे, मार्केटिंग करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर और पोशाक का काम, उसको भी हम प्रोत्साहित करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को, नौजवानों को रोजगार से जोड़ सकें। अब खादी में इस समय कोई दीपावली पर कोई मतलब नई चीज लेकर? हाँ, खादी 5% क्योंकि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है इसलिए, और हम खादी पार्क बनाने जा रहे हैं जिसमें पौनी से लेके वस्त्र तक सब काम हो, खादी पार्क में होगा, 43 एकड़ में बनेगा वो, बिल्लौर में खादी पार्क, और खादी माल लखनऊ में खोलने जा रहे हैं, 3 कम्बल कारखाने हम खोलने जा रहे हैं जो खादी के पहले बनते थे, बंद हो गए थे, तो खादी को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ दिनों में खादी नौजवानों की पसंद बनेगी खादी, और इसलिए हम दिसंबर महीने में लखनऊ में एक फैशन शो करने जा रहे हैं। अभी समय 2019 की क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां तो निरंतर चल रही और हम लोग तैयार हैं। बूथ रचना हो चुकी है, सब मतदाता सूची में संवर्धन का काम चल रहा है, वोट बढ़ाने का काम चल रहा है, बूथ सम्मेलन चल रहे हैं, और अभी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हमारी वार्ड में यात्राएं निकलेंगी। अभी 31 तारीख को जो पटेल, सरदार पटेल जी की मूर्ति का अनावरण होने वाला है, उस दिन भी बहुत बड़े कार्यक्रम सब बूथ स्तर पर होंगे। हम तो देश के सम्मान सम्मान गौरव को उठाने जा रहे हैं और हमारा जोर महिला उद्यमियों पर बहुत है। 28 तारीख को लखनऊ में एक कार्यक्रम है, ये चिकनकारी का, जरी का और जरदोई का, और उसमें हम 5,000 महिलाओं को उपकरण भेंट करेंगे निःशुल्क, और बैंक से उनको लोन दिलवाएंगे, और जो ट्रेनिंग करना चाहेंगे उनको ट्रेनिंग करेंगे ताकि जरी, जरदोई और चिकनकारी का जो